नमस्कार, आप स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मैं नूर आलम, अभी फिलहाल मैं कामाराडी बीटी रोड पे, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स है प्रथम, उसी के पास में एक गोडाउन है, टायर का शायद गोडाउन है, यहाँ पे आग लगी थी। यहाँ पे नौजवान मौजूद, आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि जो मौके पे मौजूद थे, कैसे खबर मिली कि आग लगी और किस तरह से आग लगी उनसे जानने की कोशिश करते हैं। दादा, आज चुके दिवाली का समय चल रहा है, आग अचानक से लगी, कैसे आप लोगों को खबर मिला, कब खबर मिली? हम लोग अपने लॉन में बैठे हुए थे, पूजा का सब सेलिब्रेशन वगैरह हो रहा था, तो हम लोग अपने लॉन में बैठे हुए थे, अचानक से देखा कि कुछ काला धुआं उठ रहा है। काला धुआं उठने के बाद मुझे पता चला, तो जैसे ही मैंने देखा कि ऊपर से टावर 5 में हम लोग रहते हैं, तो देखा कि आग ज्यादा बढ़ रहा है। आग ज्यादा बढ़ने के बाद हमने कमरट्टी थाना में फोन किया, लेकिन बेलगरिया थाना में फोन किया, लेकिन बेलगरिया वाला बोला ये जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, आप कमरट्टी को कॉल करें। कमरट्टी में कॉल करने के बाद फिर मैंने आगरपाड़ा फायर ब्रिगेड में कॉल किया, टाइम पे पहुंची। हाँ, फायर ब्रिगेड की बहुत टाइम पे आई है। कितने दमकल की गाड़ी आई थी? अभी तक 2 दमकल आई है। तो जो आग लगी थी ऑनगोइंग है, और जो आग लगी थी ऐसा कोई नुकसान तो खबर नहीं आ रही? ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये फाइबर की फैक्ट्री थी, इसमें कुछ केमिकल वगैरह भी स्टोर थी, जिस वजह से आग का बढ़ना ज्यादा लाजमी है। उस वक्त जब आग लगी तो कोई उस गोडाउन में कोई लोग रह नहीं रहे थे? अभी तो फिलहाल भैया कुछ पता नहीं है, लेकिन फायर फाइटर्स है, अपने काम कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। जो गोडाउन है, रास्ता इधरी से या कहीं और से? नहीं, यही एक रास्ता है, और हम लोग ने पहले प्रथम से ढुकाने की कोशिश की थी मानवता के हिसाब से, लेकिन वो लोग बोले कि वहाँ से आग बुझेगी, घर से आग। हाँ, यहाँ से उन्होंने, जैसा कि आप देख सकते हैं इस नौजवान ने कहा, जैसा कि सभी देख रहे हैं कि दिवाली का अवसर चल रहा है, लोग त्यौहार मना रहे हैं, तो इत्तफाक की बात थी कि लोग जगे हुए थे और उन्होंने देखा कि इस तरह से यहाँ पे आग लगी है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि नौजवानों ने फोन किया, फायर ब्रिगेड टीम में थाने में फोन किया और मौके पे फायर ब्रिगेड टीम पहुंची और आग को नियंत्रण में किया जा चुका है। आपको बता दें कामाराटी बीटी रोड बिल्कुल प्रथम जो कॉम्प्लेक्स है उसके पास में एक गोडाउन है, और जैसा कि भाई बता रहे हैं कि टायर या कोई केमिकल की फैक्ट्री थी, वेयर हाउस है, जिसमें शायद आग लगी है। आग की असल वजह नहीं खबर लग पा रही है। आइए हम लोग और भी कोई लोग होंगे या जो चश्मदीद हैं उनसे बात कर लेते हैं कि इसमें उन्होंने क्या देखा और क्या कहना चाहते हैं। जरम खबर पेलें, আপনারা আগুন লেগেছিল তো এখানে কি দেখলেন, কিরকম আগুন লেগেছে কোন খবর পেয়েছেন? আর এইদিকে একটুখানি স্যার, আমরা খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একটা গাড়ি এসেছে এবং দিনেন্দিয়ারও সামনের দিক দিয়ে যখন অনেকগুলো গাড়ি পার্কিং করা ছিল, ওইদিকে ফ্লেমটা আসছিল, তো ওই দিক থেকে আমরা ফায়ারটাকে অ্যারেস্ট করি। আচ্ছা, সেকেন্ড টাইম আমাদের আরেকটা গাড়ি এসে ভিতর দিকে ঢুকিয়ে, ভিতর দিক থেকে ওদের শাটার এর গেট কেটে আমরা ভিতরে ঢুকে এখন টোটাল আমাদের আন্ডার কন্ট্রোল। এই গোডাউনটা কিসের গোডাউন, কি খবর পেল? এটা গোডাউন, গোডাউনই আছে, ওই ফাইবারের কোন জিনিসপত্রগুলো রাখা আছে, এগুলোর নামগুলো এই মুহূর্তে আমি বলতে পারবো না। সিনথেটিক জিনিস আছে, সিনথেটিক ওই ফাইবার এরকম কিছু নাগুল লেগেছে গোডাউনে, কেউ ছিল কেউ আছে না এখনো পর্যন্ত? আমরা কাজ করছি, এখনো পর্যন্ত কোনো লোক ইনজিওর দেখতে পাইনি, আমরা কাজ চলছে আমাদের। কত দমকল গাড়ি এসেছে? দুটো দমকলের গাড়ি এসছে আমাদের কামারহাটি ফায়ার স্টেশন থেকে। ফায়ার ইজ আন্ডার কন্ট্রোল? হ্যাঁ, এখন ফায়ার কন্ট্রোল ড্যাম্পিং ডাউন চলছে, কারণ টাইম লাগবে, কিছু কিছু জায়গা ফায়ার আছে সেগুলো কন্ট্রোল হবে, টাইম লাগবে। রিজন অফ ফায়ার আপ কোনো বলতে পারেন কি? এই মুহূর্তে কিছু বলা যাবে না, আমাদের কাজ হচ্ছে। पूरा प्रथम बहुत भयानक आग लगा हुआ है।